आज का ये जो प्रेस ब्रीफिंग है, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो 19 तारीख को मेमोरेंडम सबमिट किया था टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट एंड टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू आवर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ आवर स्टेट, तो ये मेमोरेंडम जो बेसिकली फ्यूल प्राइस, एसेंशियल कमोडिटीज़ और LPG, इन सब के जो बढ़ते हुए जो स्काई रॉकेटिंग जो प्राइस हाइक हुआ है उसको कम करने के लिए, उसको रोल बैक करने के लिए हमने एक दरख्वास्त डाली थी मेमोरेंडम के थ्रू, अर्ज किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी और हमारे स्टेट लेवल पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी। तो इस मेमोरेंडम में बेसिकली दो भाग हैं, एक तो आपका पूरा नेशनल लेवल पर, दूसरा जो है हमारा स्टेट लेवल पर। तो नेशनल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो वी जनरली टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये दरख्वास्त किया था कि जैसे कि अभी उधर से जो कहना है, मीडिया रिपोर्टिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट है कि कहना है कि द राइज ऑफ द हाइक ऑफ फ्यूल प्राइस डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल जो फ्यूल प्राइस सिस्टम है उसके ऊपर है, जो क्रूड ऑयल करते हैं ना, कच्ची तेल, तो उसी के ऊपर है। तो अब इस पे एक चीज़ हमने ये एक्सप्लेन करके मेमोरेंडम में भेजा था कि जैसे कि आपको देखिए 2014 को कांग्रेस का सरकार था, उस पर एक बैरल जिसका US डॉलर में आपका 108 रुपया होता है, फिर भी हमारे जो उस समय तेल का लीटर पर लीटर दाम जो है 62 रुपये का था, 62, और अब क्या है, अब जो तेल का दाम जो है बढ़ चढ़कर पेट्रोल का 112, डीजल का 100 रुपये हो गया है। तो अगर आप कहेंगे कि बैरल का दाम, कच्ची तेल के जो बैरल होता है क्रूड ऑयल का, उसका दाम बहुत बढ़ गया है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द एक्सचेंज रेट ऑल्सो, मनी एक्सचेंज रेट होता है ना, जैसे डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना, अगर उस हिसाब से अगर देखा भी जाए तो पहले जब 2014 को एक डॉलर जो है 62 रुपीस का था, उसको कन्वर्ट करने के बाद भी, कन्वर्ट करने के बाद एक बैरल जो होता है वो 7000 का पड़ता था। अब जो है 2021 में एक डॉलर जो है INR में, इंडियन करेंसी में आपका 74 रुपीस होता है, ठीक है, लेकिन बैरल उसको अगर काउंट करें इंडियन करेंसी में तो 4000 का बैरल पड़ता है। फिर भी इतने बैरल का दाम इतना ज़्यादा था, 7000 का था INR में 2014 को, लेकिन हमारे कांग्रेस सरकार ने फ्यूल जो है, पेट्रोल जो है वो 62 रुपीस का दिया, और लेकिन जब अब क्रूड ऑयल का दाम जो है एक बैरल 4000 का है, तो भी इतना कम रेट पड़ने पे भी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पेट्रोल का दाम 112 रुपये कर दिया, डीजल का दाम 100 रुपये कर दिया। और फिर इसके बाद आपको ये बता दें कि जब तेल का जो प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या है, एक्साइज ड्यूटी पड़ता है, 2014 में INC गवर्नमेंट के समय आपका पर लीटर पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी 9.20 रुपये का था। अब 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, ये एक्साइज ड्यूटी भी भरते भरते पेट्रोल के ऊपर 32.9 रुपये पर लीटर का हो गया है एक्साइज ड्यूटी, और डीजल का क्या है 2014 में 3.46 रुपये था पर लीटर, और अब देखिए 2021 में 31.8 पैसे का पर लीटर हो गया है। तो इतना जो है ऊंचा छलांग लगा के तेल के दाम को बढ़ाना क्या ज़रूरी है। और अब इसमें देखिए वेट का, देखिए वेट का, देखिए 2014 में 20% था पर लीटर का, अब ये देखिए कि 2021 में 30% का हो गया है। डीजल के ऊपर 12% का वेट था
अब 2021 में 18% का हो गया है। इतना ज़्यादा टैक्स, हर किस्म का टैक्स लगा के रखा हुआ है। आप उसमें फ्रेट चार्जेस है, डीलर का जो कमीशन है उस पर आपका, तो ये सारा जो छोटा छोटा जो टैक्स है उसको बड़े बड़े अमाउंट में लेकर तेल का प्राइस इतना आसमान से पार चढ़ा दिया है कि आम आदमी जो जनता जो है अभी क्या है, दे आर सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक स्लो डाउन, फिर क्या है अनप्रेसिडेंटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो जॉब लॉस है, तो ऊपर से पैंडेमिक है, तो ऐसे वक्त में इतना ज़्यादा प्राइस हाइक करके, इतना ज़्यादा हर चीज़ में दाम लगा के इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार को करना क्या है। तो यही है कि हमारा दरख्वास्त इस हमारे गवर्नर के थ्रू, हमारे ऑनरेबल गवर्नर के थ्रू, हमने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो मेमोरेंडम सबमिट किया था, यही था कि ये सारे एक्सप्लेनेशन के साथ भेजा कि कम से कम ऑल ओवर इंडिया में पेट्रोल डीजल का दाम कम करवाइए, इसेंशियल कमोडिटीज़ में देखिए, एक लीटर एडिबल ऑयल का कितना 80 रुपये से 250 रुपये का हो गया है, एक अंडे का कीमत जो है पहले 4 रुपये में मिलता था, अब जाके 10 से 12 रुपये के बीच में हो गया है। तो ये सारे चीज़ों पे ध्यान दीजिए, टैक्स जो है वो कम कराइए, ताकि ऐसे महामारी के समय में लोग कम से कम उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके, सुकून मिल सके। तो अब क्या है कि अब देखिए कितना, अभी 2 महीने में आपने देखा होगा कि 29 टाइम्स जो है फ्यूल प्राइस हाइक हुआ। पिछले चार पाँच महीने से 66 टाइम्स प्राइस हाइक हुआ फ्यूल का। तो ये सब सारे जो प्राइसिंग मैकेनिज्म में अगर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा ध्यान दे, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स है उसको थोड़ा कम करे, मिनिमाइज करे, विदाउट हर्टिंग द रेवेन्यू सिस्टम, तो क्या है कि आम आदमी का जो डेली जो है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी लिमिट में रहेगा, और जो डेली जो है हमारा जो रहने का जो खर्चा, इनकम एक्सपेंडिचर का सिस्टम भी प्रोसेस में रहेगा। अब दूसरा भाग जो है, हमने जो हमारी पार्टी ने जो स्टेट लेवल में हमारी पार्टी ने सोचा कि स्टेट लेवल में अगर सेंट्रल लेवल से कुछ नहीं होता है तो कम से कम स्टेट लेवल में तो हम अपने जो 15 लाख की पॉपुलेशन है उनका तो कुछ हम कल्याण कर सकते हैं, उनको कुछ लेवल तक हम लोग रिलीफ दिला सकते हैं। वही सोच रख के हमने अपने जो मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उनको एक मेमोरेंडम सबमिट की थी 19 को ही। तो उस पर हमारा ये जो डिस्क्रिप्शन ये है, हमारा एक्सप्लेनेशन ये है कि जो स्टेट लेवल में टैक्स लगता है, वेट करके एक टैक्स लगता है, वो जैसे कि आपका 4 मई 2020 को एक ऑफिशियल ऑर्डर निकला था ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी टैक्स एक्साइज एंड नारकोटिक्स से, उसमें ये दिखाया गया है कि जो पेट्रोल का है उस पर वेट जो है 20% का लगता है, और डीजल में 12.5% का लगता है। तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि विदाउट डिस्टर्बिंग द रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम, विदाउट हर्टिंग द रेवेन्यू प्रोसेस, रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस, वेट तो वेट जो होता है एक प्रकार का टैक्स होता है वो स्टेट के हाथ में होता है। कम से कम इसमें स्कोप रहता है कि 10 से 15% तक का रिड्यूस करने का एक स्कोप रहता है कि स्टेट ऐसे पेंडेमिक और इमरजेंसी समय में रिड्यूस कर सकता है वेट को, कोई भी जो प्रोडक्ट है, सेलेबल प्रोडक्ट है उसके ऊपर, स्पेशली ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, स्टेट के ऊपर उनका रहता है, राइट रहता है कि वो उसको ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है। तो इसलिए हमारा दरख्वास्त था कि जब वेट को रिड्यूस करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है तो कम से कम जो स्कोप है 10% से लेकर 15% तक वो कम करें। थोड़ा पैंडमिक के समय में लोग यहाँ इकोनॉमिक डिप्रेशन में है, हेल्थ क्राइसिस है, इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात है, तो ऐसे में अगर वेट टैक्स को, जो वेट नामक टैक्स है उसको कम करके पब्लिक को रिलीफ दे तो बहुत ही अच्छा होगा।
फिर दूसरी बात जो है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ दिन ब दिन पैसे पे पैसे करके पेट्रोल और डीजल में बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हो रहा है। आप तवांग का एग्जांपल ले लीजिए, तवांग में पर लीटर पेट्रोल जो है 99.50 पैसे है। अब उसको कहेंगे कि वो पहाड़ी इलाका है, लेकिन उससे कम तो कुरुंग कमे में है, कुछ एक आध दो रुपये का कम डिफरेंसेस है, लेकिन कम तो है। अपर सियांग में देख लीजिए, अपर सिवनसिरी में देख लीजिए, तो ऐसा जो अनइवन, अरुणाचल में टोटल 44 पेट्रोल पंप है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पेट्रोल पंप में आपका अनइवन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। तवांग में 99.50, यहाँ ईटानगर में रेगुलर का 94 पैसे है और प्रीमियम का 97 रुपीस पेट्रोल का। तो ऐसे करके अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइस मेकानिज्म सिस्टम है, ऐसा करके ये जो है बहुत ही क्लेवरली हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जिससे कि क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक स्लोडाउन अनइवनली चल रहा है। अमीर लोग, दोज हु आर रिच, दोज हु कैन एफर्ड, उन लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं, लेकिन जो बीपीएल में है या फिर चलिए एपीएल में भी ले लीजिए, मिडिल क्लास के हैं, दे आर नॉट एबल टू कंज्यूम द प्रोडक्ट विच इज नेसेसरी ऑन डेली रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब आपको ये बता दें कि हमारा जो है स्टेट में, हमारी स्टेट में जो है एलपीजी, आपको लग देखा होगा कि दो साल से हमारे स्टेट में एलपीजी का इतना प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो गैस सिलेंडर होता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सप्लाई का इतना शॉर्टेज है, इतना प्रॉब्लम है, ऐसा कभी इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल नहीं हुआ।